टुडे वी विल लर्न अबाउट स्पीच राइटिंग। देखिए स्पीच राइटिंग है वो कैसे लिखा जाता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। पर्पज ऑफ मेकिंग ए स्पीच, टू कन्वे इंफॉर्मेशन ओरली टू ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल फोर्सफुली एंड कन्वेंसली एंड कन्वर्ट द लिसनर्स टू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले स्पीच होता क्या है, एक बहुत ही लार्ज गैदरिंग होती है पीपल की, लोगों की, और वो वहाँ पे आते हैं और स्पीकर जो बोलने वाला होता है अपना स्पीच उसको सुनते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं। तो टू पास ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस ओरली, और ऑडियंस को ओरली सब समझाया जाता है। इन दिस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, शेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एट्सेट्रा। तो इसका फॉर्मेट है, उसके साथ हम एक एग्जांपल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सॉल्यूशन, द स्पीकर ग्रीट्स चीफ गेट्स फेलो स्पीकर एंड लिसनर। सबसे पहले वो संबोधित करता है स्पीकर जो होता है वो चीफ गेस्ट को। उसके बाद द की सेंटेंस कैरीज द सेंट्रल थीम ऑफ इशू ऑफ द स्पीच। उसके बाद उसका सेंट्रल थीम दिया जाता है, द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज या हर व्यूज ऑफ द टॉपिक। और क्या टॉपिक है, ऐसे नहीं कि कुछ का कुछ बोला जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि 15 अगस्त पे अगर चीफ गेस्ट आया है तो वो उस हिसाब से बोलेगा, तो उसका एक टॉपिक पर्टिकुलर होता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट, ब्रिंगिंग अप एंड अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्ग्यूइंग द स्ट्रेंथ ऑफ वंस ओन ओपिनियन, कि उस स्पीकर के उसके लिए क्या ओपिनियन होते हैं वो बताता है। उसके बाद समराइज करता है और उसका पूरा कंक्लूजन बताता है। ये सब बातें स्पीच राइटिंग में होती हैं। और स्पीच मस्ट बिगिन विद ए इंट्रोडक्शन, ऐसा इंट्रोडक्शन से या फिर किसी कोटेशन से या फिर किसी क्वेश्चन से हमारा स्पीच है वो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। इट मस्ट ब्रिंग क्रेडिबिलिटी टू व्यूज थ्रू क्वेटिंग ऑफ एडिक्वेट सपोर्टिंग डेटा। इट मस्ट इन्फर्स ह्यूमर थ्रू एनेक्डोट्स। और दूसरा मेन बात है, इट मस्ट हैव ए परस्यूज ए पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स द ऑडियंस मस्ट बी डिलीवर्ड एट द एंड। और अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्पीच है उसको उसकी फॉर्मेट और स्टाइल में ही लिखना है। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, रिमेंबर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट। तो इस तरह से स्पीच राइटिंग करना है। एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर क्लेरिफाई कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वन एग्जांपल। प्रीपेयर स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन योगा फॉर गुड हेल्थ एंड इंटर स्कूल स्पीच कॉन्टेस्ट, योगा फॉर हेल्थ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस प्रैक्टिसाइड इन इंडिया इज ए योगा। देखो सबसे पहले हमें इसकी जो हेडिंग है वो देखनी है, तो इसमें एक स्पीच तैयार करना है कि योगा किस तरह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो उसके ऊपर, योगा के ऊपर एक स्पीच बोलना है, इंटर स्कूल स्पीच कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेन यहाँ पे हेडिंग आ गई, क्या है, योगा फॉर हेल्थ, ये बहुत ही सुटेबल टाइटल देना। उसके बाद हम संबोधित करते हुए बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस प्रैक्टिसाइड इन इंडिया इज योगा, कि भारत में बहुत टाइम से साइंस ने भी ये माना है, योगा बहुत समय से चला रहा है। इट हैज़ गिवन एस वेरियस टेक्निक्स टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर्स, कि बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं अपने आप को डेवलप करने की, अपना शारीरिक मानसिक आत्मिक विकास करने की। इट इज़ एन एज्ड ओल्ड साइंस ब्रिंगिंग अबाउट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन, कि जब आदमी जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं, जैसे जैसे उसकी एज है वो ओल्ड हो होती जाती, तो उस एज को मेंटेन रखने के लिए योगा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमें अपने आप को मेंटेन रखना है तो ये साइंस का ये फॉर्मूला है, साइंस ने भी माना है कि योगा है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
योगा इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट। योगा से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, ये हमें फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। वेरियस एक्सरसाइज आर प्रैक्टिसाइज टू बेनिफिट जॉइंट्स लिगमेंट्स स्केलेटल सिस्टम इम्प्रूव इट्स फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस। ये हमारे चाहे जॉइंट हो चाहे लिगमेंट्स हो, लिगमेंट्स वो होता है जो हमारी हड्डियों को जॉइंट करके रखता है, कोई भी जो जॉइंट होता है वो। एंड स्केल्टन जो कंकाल तंत्र हमारा स्केल्टन सिस्टम होता है, इम्प्रूव इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। योगा से हम लोग अपना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बैलेंस कर पाएंगे। द बॉडी रिमेन्स हेल्दी इफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स रिमेन हेल्थी अलोंग विद नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर पाएगा। योगिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड स्मूथनेस द सर्कुलेटरी सिस्टम। योग करने से हमारा जो हार्ट की स्मूथनेस है वो भी सही रहती है। इट स्ट्रेंथ द फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स रिड्यूसिंग टेंशन एंड एंजाइटी। और एक्सरसाइज से योगा करने से हम टेंशन से और वरीड जो चिंताएं होती है उनसे दूर रहते हैं। दिस हेल्प्स टू रिमूव इंसोमिनिया। इंसोमिनिया मीन्स होते हैं जिसको स्लीपिंग है वो प्रॉपरली नहीं आती, तो जिसको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाएगी योगा एंड योगा करने से। दस योगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थी लिविंग। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ ए मस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। कि योगा है वो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये यूज़फुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। थैंक यू। जय हिंद। तो इस तरह से फर्स्ट में एक बार पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर योगा से स्टार्टिंग दूसरी बार पैराग्राफ चेंज हुआ, और थर्ड द बॉडी से पैराग्राफ चेंज हुआ। तो इस तरह से हमें अपना ये स्पीच राइटिंग है वो प्रिपेयर करना है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करना। ये किसी के ऊपर भी आ सकता है, योगा फॉर हेल्थ न सोचकर कोई भी इसमें टॉपिक दे दिया है, लेकिन आपको फॉर्मेट है ये इस तरह से करना है। पहले लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह से बोल के फिर हमें अपना स्पीच है वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तीन पैराग्राफ बने बन सकते हैं, 3 से 4, 250 वर्ड्स में हमें लिखना है, और इसको बेस्ट और सुटेबल टाइटल देकर ही इसको स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस स्पीच राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। ओके, थैंक यू।